ओ यो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पे हमारे गेम के अंदर फाइनली जो न्यू टॉपअप इवेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे इस बार टॉपअप इवेंट पे दिवाली का थर्ड टॉपअप इवेंट है ये, जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है आपका ये वाला ग्लो वॉल का स्किन, स्टिक नो बेल वाला ग्लो वॉल का स्किन, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत दिनों पहले बता दिया था कि आने वाला है, एंड बिल्कुल वैसा यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग इसको यहाँ पे अभी टॉप अप इवेंट से कंप्लीट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग ये वाला जो टॉप अप इवेंट है इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं आप लोगों को ये वाला जो ग्लो वॉल है ये लगा के दिखाऊंगा, ये ग्लो वॉल कैसा है और कैसा नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना। तो गाइज़ यहाँ पे जो ग्लो वॉल का स्किन है वो यहाँ पे हम लोग फटाफट से ओपन करते हैं, और ये भाई यहाँ पे मैं फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेता हूँ कलेक्शन से, और उसके बाद हम लोग इसको लेके जाते हैं। अब यार कलेक्शन पे ही आता है ना भाई, ग्लो वॉल का स्किन नहीं आता भाई, हमारा वेपन पे ही आता है, मिली वेपन पे आता है शायद, ग्रेनेड पे आता है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। ये आ गया आपका न्यू ग्लो वॉल का स्किन, जो कि हमारा स्टिक नोबिल, और ये वाला ग्लो वॉल का स्किन है हॉर्न, क्या लिखा है, हॉर्न नॉट ओके प्लीज़, अच्छा कुछ तो लिखा है भाई, सही है भाई। तो ये वाला ग्लो वॉल का स्किन गिवे वे पे दिया जा रहा था, जो पार्टनर प्रोग्राम वाले हैं ना वो लोग यहाँ पे गिवे वे पे इसको दे रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये वाला ग्लो वॉल का स्किन आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो बात, ग्लो वॉल यहाँ पे आपको 300 डायमंड टॉप के बदले में देखने को मिल रहा है। तो यस, अब हम लोग यहाँ पे ग्लो वॉल का स्किन का रिव्यू करके दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा ग्लो वॉल का स्किन है ये, और मैं फटाफट से यहाँ पे जाता हूँ, और या फटाफट से चलो जाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे एक्टिव करके ग्लो वॉल का स्किन। अब 5 लोग आ गए यार, हाँ चलो, तो ये हमारा ग्लो वॉल का स्किन मैंने ले लिया। अब यार आ गया ये बंदा, हट भाई। तो गाइज ये है हमारा न्यू ग्लो वॉल का स्किन, आप लोगों को मैं दिखा ही देता हूँ। तो ये है हमारा ग्लो वॉल का स्किन, अरे हाँ मैं इसको देखा था, पार्टनर प्रोग्राम वालों को दिया है, हाँ मैंने देखा था किसी भी अकाउंट पे। ये देखो ये आप लोगों का स्टिक नोबिल वाला जो ग्लो वॉल है उसका स्किन, और पीछे लिखा हुआ है बुलेट ये वाला, एंड काफ़ी सही है ग्लो वॉल का स्किन। तो देखा जाए तो एक और लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, उनको साइड में जाते हैं वरना ये लोग भाई पीछे पड़ जाते हैं भाई, उनको भाई मत मारो यार थोड़ा, अरे थोड़ा तो रहम करो यार, वीडियो बना रहा हूँ यार। तो ये हमारा ये ग्लो वॉल का स्किन काफ़ी हद तक बढ़िया ग्लो वॉल का स्किन है, आप लोग देख सकते हो। ओए ओह भाई एक गोली पे मर गया ये तो, ये मर दिया, मार दिया यार। तो गाइस ग्लो वॉल का स्किन ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये वाला ग्लो वॉल का स्किन लेने का कोई मतलब बनता है 300 डायमंड दे के, क्योंकि भाई 300 डायमंड से एक ग्लो वॉल का स्किन के लिए 300 डायमंड कौन बर्बाद करता है भाई, 300 डायमंड पे 250 रुपये का टॉपअप करना पड़ेगा भाई, पागल नहीं है भाई लोग। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग ये टॉपअप इवेंट कंप्लीट करो, ग्लो वॉल ठीक ठाक है लेकिन मुझे नहीं लगता है अब आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए टॉपअप इवेंट, बाकी मर्जी आपकी है। मुझे मेरा ओपिनियन पे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ पे टॉपअप इवेंट जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ग्लो वॉल, अगर आपको ग्लो वॉल पसंद आया है तो आप लोग टॉपअप इवेंट कंप्लीट कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है, मुझे पसंद नहीं आया उतना ज़्यादा, खास नहीं है कुछ। एक ग्लो वॉल का स्किन है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपअप इवेंट आप लोगों का एजेंट हॉप जो पेट आने वाला है ना उसका होने वाला है, प्रोबेबली 90% चांस मुझे सुनने में आया कि नवंबर का पहला टॉपअप इवेंट वही होने वाला है एजेंट हॉप वाला। तो उसके लिए डायमंड अगर आपको टॉपअप करना है तो उसके लिए बचा के रखो, अगर आपको चाहिए वो पेट तो अभी टॉपअप करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड पीस आउट। I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.